मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, ओवरऑल पूरी साल हमें सारी बुक पढ़नी चाहिए, सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जर्नल फिजियोलॉजी में से गिव फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल एडहेसिव मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चंस मिस ना करें। नेक्स्ट होता है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड इट्स वेरियस फीडबैक मैकेनिज्म्स। होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस का फ़र्क समझें और इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। होम्योस्टेसिस इज इंटीरियर मेल्यू, ठीक है, एंड हीमोस्टेसिस इज ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जिसके लिए प्लेटलेट एडहेसन, प्लेटलेट एग्रीगेशन और टेम्प्ररी हीमोस्टैटिक प्लग बनने तक की पूरी मैकेनिज्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एन्यूमरेट वेरियस इंटरसेलुलर जंक्शंस। बहुत सारे जो तीन तरीके के मेन इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं उनके या तो नाम पूछे जा सकते हैं या इसके ऊपर कई बार डिटेल में भी शॉर्ट नोट आता है। डिफाइन एपोप्टोसिस और इट्स फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, लेकिन एपोप्टोसिस क्या होता है और इसकी फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी में, अपने आप सेल डेथ कैसे होती है। डिस्क्राइब नॉर्मल बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट एंड देयर इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट। ये वाला जो पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और नॉर्मल बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट ICF ECF जो है उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ब्रीफ नोट्स आ सकते हैं, कई बार दो नंबर के, कई बार चार नंबर के, जैसे कि ऑस्मोसिस, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, डिफ्यूजन डेफिनेशन एंड टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। गिब्स डोनन इफेक्ट और वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार रीड ज़रूर करिएगा। शॉर्ट नोट्स किस पे आ सकते हैं, या तो एसिड बेस्ड डिजॉर्डर्स, डिजॉर्डर्स में एसिडोसिस और एल्कलोसिस। अब ये मेटाबॉलिक भी हो सकते हैं और ये रेस्पिरेटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है उसमें एसिड बेस बैलेंस मेंटेन्ड बाय लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी दोनों के थ्रू होता है, ओके। नेक्स्ट है नर्स्ड इक्वेशन, इस पे एमसीक्यूज तो अक्सर आते हैं, साथ में नर्स्ड इक्वेशन पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी पार्ट लेते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स की डेफिनेशंस, उसके क्लासिफिकेशंस और उनके फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन नॉर्मल टाइप का और एबनॉर्मल टाइप का, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिनोपैथीज के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में HbA1, HbA2 और HbF बताएंगे आप, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में HbS, HbC, HbD और HbD टाइप्स के आप बताएंगे, और इनके बारे में इनके नंबर के हिसाब से आप इसे आगे आंसर करेंगे कि ये क्वेश्चन केवल एन्यूमरेट लेवल पे पूछा जा रहा है, यानी आपसे सिर्फ नाम पूछे जा रहे हैं, या ये डिस्क्राइब लेवल पे पूछा जा रहा है, या आपसे कोई शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज एरिथ्रोपोइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मस्ट नो होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोपोइसिस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ल्यूकोपोइसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इसमें कई बार सिर्फ डिफरेंस पूछा जाता है, तो इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे अक्सर शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको क्लॉटिंग मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है। पहले तो टेम्प्रेरी हीमोस्टेसिस तक बताना है, उसके बाद डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस बाय इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे। कई बार इंट्रेंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म और एक्सट्रेंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे अलग से क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आपको क्या करना है, फुल क्वेश्चन लर्न करना है, अगर उसमें से शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए तो आप उसमें से पार्ट मेंशन कर देंगे। डिस्क्राइब मैकेनिज्म्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। प्लाज्मोलाइसिस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं, या तो ये एन्यूमरेट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है या डिस्क्राइब लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स बता दीजिए, नेचुरल बता दीजिए और सिंथेटिक बता दीजिए, और उसके बाद उसके नंबर के हिसाब से, जिस हिसाब से वो डिस्क्राइब करना पूछ रहा है उसे डिस्क्राइब कर दीजिए। अगर एन्यूमरेट पूछ रहा है यानी सिर्फ नाम बताइए।
डिस्क्राइब द हैज़र्ड्स ऑफ मैच्ड एंड मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर आ जाता है मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूशन का। कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, एनीमिया, जॉइंटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, हीमोफीलिया और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये क्वेश्चंस जो है एक बार ज़रूर रीड करके जाएं, तो आपको शॉर्ट टाइम में एक चार्ट मिल जाता है कि हमें इतना तो ये करना ही करना है। नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी में अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो न्यूरॉन के टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर बता दीजिए और उसके क्लासिफिकेशन। कई बार स्ट्रक्चर भी अलग से पूछा जाता है और उसको एलेबोरेट लेवल पे पूछा जाता है, तो उसके हर पार्ट्स को आप मेंशन करके बताएं। न्यूरोट्रोफिन्स पे शॉर्ट नोट अक्सर आ जाता है। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पूछ लिया जाएगा या माइसेनिया ग्रेविस पूछ लिया जाएगा या इसी पार्ट का लैम्बर्टन ईएटन सिंड्रोम, किसी पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा शॉर्ट नोट कई बार पूछ लिया जाता है डीजेनरेटिव चेंजेस अकर्स इन एक्सोनल इंजरी। अब या तो इसमें अलग से पूछ लिया जाता है एट प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड, या कोई एंटीरोग्रेड डीजेनरेशन पे या वैलेरियन डीजेनरेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। ट्रांस न्यूरल डीजेनरेशन पूछ लेते हैं, और कई बार जब भी फुल क्वेश्चन में देना होता है, जैसे कि इंटरनल असेसमेंट्स में दे सकते हैं जब आप दो या तीन यूनिट्स पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ये किसी भी चीज़ में मसल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिफरेंस ऑफ बिटवीन स्केलेटन एंड कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स के साथ साथ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में आपको ये पूरा शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद कीजिए। मेरे ख्याल से आप इसे शॉर्ट लॉन्ग याद कीजिए, अगर इसमें कोई शॉर्ट नोट आता है तो आप उसे उसी पार्ट को मेंशन कर दीजिए। अब हम GIT पे आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस पे कई बार इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है, तो जब आप ये शॉर्ट नोट लिखें तो आप अच्छे से मेंशन करें कि शॉर्ट लूप रिफ्लेक्सेस और लॉन्ग लूप रिफ्लेक्सेस। अब इसमें से कई बार दो दो नंबर के क्वेश्चन या फिलिंदा ब्लैंक्स में डिग्लुटेशन रिफ्लेक्स, कॉलोनियल रिफ्लेक्स, लॉन्ग रूफ रिफ्लेक्सेज में जैसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो गया, एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हुआ, डेफिकेशन हुआ, वॉमिटिंग हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग रूफ रिफ्लेक्सेज में ये आते हैं, शॉर्ट रूफ रिफ्लेक्सेज में ये आते हैं। आपसे जो पूछा जाए आप उसे ज़रूर बता दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस, और माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस में जो GIT में बनते हैं हर 90 मिनट्स पे, तो ये जो क्वेश्चन है MCQs के बिहाफ पे तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सीक्रेशन ऑफ, देखिए बच्चों ये कई बार चेंज होता रहता है कि सीक्रेशन फंक्शन और रेगुलेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली जो आता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन और पैनक्रेटिक जूस सीक्रेशन पे फोकस होता है, लेकिन सलाइवरी सीक्रेशन और बाइल सीक्रेशन को भी ज़रूर एक बार रीड ज़रूर करके जाएं। शॉर्ट नोट्स जैसे आ सकते हैं GIT हार्मोन्स पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट GIT हार्मोन्स में गैस्ट्रिन पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाजाइमिन के बारे में पूछा जा सकता है और सेक्रेटिन के। अदर्स आपको टाइम मिले तो रीड ज़रूर करके जाएं, जैसे वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है, अदर पेप्टाइड्स हैं, लेकिन ये तीन ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा हिर्सुटस-प्रंग डिसीज़ है, जिसे ए गैंग्लियोनिक कोलोन के नाम से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये ज़रूर पढ़ के जाए, या तो एक गैंग्लियोनिक कोलोन आ जाएगा या इस नाम से आएगा। पेप्टिक अल्सर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं इन्हें मिस ना करें, एक बार ज़रूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इन सभी पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंटली अब जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो और मस्ट नो होना चाहिए फर्स्ट ईयर MBBS के लिए, दैट इज़ कार्डिक साइकिल। तो उसको प्रेशर चेंजेस भी आपको डिस्क्राइब करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, तो आप मेनली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा से रिलेटेड चेंजेस, प्रेशर और वॉल्यूम के बताएं। उसमें आप उसे ग्राफ के साथ डिस्क्राइब करें, उसकी फेजेस डिस्क्राइब करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन फुल अटैम्प्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स ऑन नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इट्स इंटरवल्स एंड सेगमेंट, तो इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार। हार्ट ब्लॉक, ये अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हार्ट ब्लॉक में आपसे इसको क्या तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक पूछा जा सकता है, या सेकेंड डिग्री भी पूछा जा सकता है, या थ्री,
थर्ड डिग्री। तो अगर हम हार्ट ब्लॉक कंप्लीट लर्न करते हैं तो जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है जिसे अपन वैनकेनबेक फिनोमिना भी कहते हैं 2:1, 3:1, या थ्री डिग्री हार्ट ब्लॉक यानी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्या होता है, तो तीनों अलग से भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप हार्ट ब्लॉक कंप्लीट याद करेंगे तो तीनों में से जो भी आए अलग वो आप मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पे क्वेश्चन आए तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन, तो शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन यूजुअली क्या होता है, लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म और CNS इश्शेमिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैरोरिसेप्टर और CNS इश्शेमिक रिस्पॉन्स आता है, और कई बार शॉर्ट नोट आता है शॉक पे, तो उसमें आप उसमें क्लासिफिकेशन मेंशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के साथ उसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़रूर देंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अक्सर 5 नंबर तक के आते हैं। लेकिन अगर इसी पे फुल क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिए कि टाइप्स के साथ उसको पूरा इलेबोरेटली आपको पूरा मेंशन करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कार्डिक आउटपुट एंड डिस्क्राइब इट्स रेगुलेशन, तो आप बिल्कुल बताइए हेट्रोमेट्रिक और होमोमेट्रिक, और इसके अलावा फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है, जैसे कि वीनस रिटर्न। एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन, अब इस पर कई बार फुल क्वेश्चन आ सकता है, तो यानी लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन और कार्डिक साइकिल जो है ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है EVS ब्लड के बाद। इसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है और एक्सप्लेन लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ इसी तरह से पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज इस पर शॉर्ट नोट्स अलग से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग याद करेंगे तो शॉर्ट अपने आप मेंशन कर पाएंगे। डिफाइन हाइपोक्सिया, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया इन डिटेल, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स इसमें कई सारे बनते हैं, जैसे एक्लिमेटाइजेशन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसमें स्ट्रक्चर बताइए प्रॉपर डायग्राम के साथ, ऑक्सीजन थेरेपी, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बोज इफेक्ट या हाल्डेन इफेक्ट, किसी भी पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लोराइड शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीकम्प्रेशन सिकनेस या ड्रॉनिंग, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में अक्सर का शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों पे पढ़ें। उसके अलावा ऑटोनॉमिक पढ़ें, जो न्यूरल वाला है जिसमें डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एपिनियोस्टिक और न्यूमोटैक्टिक सेंटर्स जो है, ये जो न्यूरॉन्स के न्यूरोनल रेगुलेशन होता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का, तो इसमें ये सारा पूरा मेंशन होगा। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे पूरा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सेंट्रल या मेडुलरी कीमोरिसेप्टर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, तो ये पूरा जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए। अलग अलग शॉर्ट नोट में भी याद करें तो फुल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCQs में बहुत मस्ट है, और शॉर्ट नोट के हिसाब से जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है, इसके अलावा एक्लिमेटाइजेशन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बोर इफेक्ट, क्लोराइड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम पे। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, बिल्कुल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इट्स टाइप्स। तो टाइप्स में आप बताएंगे दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं, उन दोनों के डिफरेंसेस को अच्छे से एलैबोरेट करते हुए बताएं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है, तो GFR से लेकर आगे तक यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, जिसमें सारे पार्ट में कहाँ कहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ किसका सीक्रेशन होता है, ये पूरा क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को ज़रूर गो थ्रू करें। शॉर्ट नोट्स ऑन, ये शॉर्ट नोट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, GFR एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये सेकेंड चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है, रीनल क्लियरेंस ये थर्ड चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस बाई किडनी,
तो इसमें डिसऑर्डर्स जो है अगर आपने पहले ही याद कर लिए हैं जनरल फिजियोलॉजी में, तो इसमें रीनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म कैसे होती है वो आप मेंशन करें, तो आपको ये पूरा का चैप्टर जो है उस हिसाब से ये टॉपिक कवर हो जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ मिक्सुरेशन, ये फोर्थ चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडिमा पे कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे कि हमें एडिमा में लिखना क्या क्या है। तो जब भी एडिमा पे क्वेश्चन आए तो शॉर्ट नोट भी आए तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा को बिल्कुल मैंशन करें, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें अक्सर जो पूछने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एन्यूमरेट पूछा जाए, यानी नाम लिखिए। और अगर किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो जैसे ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है अक्सर, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के फंक्शंस को पूछा जाता है। इसके अलावा कई बार इसके रेगुलेशंस को भी पूछ लेते हैं, तो एक बार ये दोनों टॉपिक्स के थ्रू हमेशा गो थ्रू हो जाए। शॉर्ट नोट्स बहुत सारे आते हैं कई बार एंडोक्राइन पे, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें से बहुत सारे बनते हैं। तो एक्रोमेगाली या जाइजेंटिज्म दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आ सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिनिज्म, रोल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन D3 एंड कैल्सिटोनिन इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। आइडियली ये एक फुल क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद। लेकिन कई बार अलग से किसी पर्टिकुलर हार्मोन का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे रेगुलेशन पूछ लेते हैं, तो अगर आप फुल क्वेश्चन याद करेंगे तो इनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स को आप मेंशन कर पाएंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस पे शॉर्ट नोट कई बार पूछ लेते हैं। बाकी नेक्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन में आता है टिटैनी, रिकेट्स और कुशिंग सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस क्वेश्चन में फुल क्वेश्चन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे। इसमें आपको स्टेजेस बतानी होती हैं सारा, इसके अलावा इसका टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, कौन सा पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या रोल प्ले करता है, कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है, ये पूरा मेंशन करना होता है। सेकेंड चॉइस ऑफ क्वेश्चन इसमें बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन, अक्सर ओवुलेशन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें हार्मोनल रेगुलेशन बताएंगे कि ओवुलेशन किस हार्मोन के प्रेफरेंस में होता है, कौन सा हार्मोन है जिसका जैसे एलएच सर्ज है तो उस कंडीशन में ओवुलेशन होता है, लेकिन एलएच सर्ज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन से हार्मोन्स हैं वो पूरा डिस्क्राइब करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें कई बार जैसे प्री ओवुलेटरी फेज है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज है, ठीक है, ये अलग से पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा लर्न करेंगे तो प्री ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज और ओवुलेटरी फेज तीनों को आप अच्छे से बता पाएंगे। फिजियोलॉजी ऑफ प्यूबर्टी, मीनोपॉज, इस पर कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चन आता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर पूछे तो मेल और फीमेल दोनों को बताएं, और अगर अलग से मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछें तो वही मेथड्स बताएं जो मेल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होते हैं या फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके रोल हैं वो आपको लर्न करने हैं, जो टेबल्स में मेंशन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उससे बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं, पढ़ के ज़रूर जाइएगा सारी चीज़ें थोड़ी बहुत, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये मिस ना हो। जैसे असेंडिंग पाथवे, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चन हमें आते हैं अगर असेंडिंग पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम और हाइपोथैलेमस, ये नेक्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन है। वेस्टिबुलर एपरेटस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, ये नेक्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर अप्लाइड एस्पेक्ट में पूछना चाहते हैं तो हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या ब्रांच स्क्यूअर्ट सिंड्रोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। फुल क्वेश्चंस में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो जब क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए कि सेंसरी रिसेप्टर्स के क्लासिफिकेशन को भी बड़े से एलोबरेट करके एक एक रिसेप्टर को अच्छे से क्लासीफाई करके समझाएं, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज़, तो क्लासिफिकेशन इन अगर ये भी 15 नंबर का आता है तो ध्यान रखिए कि क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताएं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करें। रैन शॉ सेल इनहिबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, नेक्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन में पूछा जाता है। फंक्शंस एंड कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबेलम, ज़रूर एक बार रीड करके जाएं। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच, वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया, यानी इस पर इसको अगर आप फुल क्वेश्चन लर्न करेंगे तो अफेजिया
से रिलेटेड आप ये स्पीच डिसऑर्डर बता पाएंगे। इवन कई बार आपसे सेंसरी अफेजिया और मोटर अफेजिया दोनों से अलग तरीके से शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो अगर आप फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो अफेजिया इसके अप्लाइड एस्पेक्ट है, तो अप्लाइड एस्पेक्ट ये अपने आप कवर होती है। तो फुल क्वेश्चन आए तो पूरा मेंशन कीजिएगा, और कोई एक पार्ट पूछा जाए तो वो मेंशन कीजिएगा। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चन में आता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कहाँ बनता है, इसका पाथवे कहाँ कहाँ से होता हुआ जाता है, मैंने अपने चैनल पे इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड नॉन रैम स्लीप इन ईजी वेव्स, तो ईजी वेव्स के अंदर रैम और नॉन रैम का क्या डिफरेंस होता है वो पूरा मेंशन कीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपलाइड एस्पेक्ट ऑफ चॉइस फ्रॉम CNS इज पार्किंसन डिजीज, ठीक है। स्पेशल सेंसेस, अगर स्पेशल सेंसेस की हम बात करें तो विजुअल पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन ऑफ विजुअल फोटो रिसेप्टर्स, ये अक्सर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ऑडिटरी पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, तो एक बार रीड ज़रूर करके जाए। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ये फर्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन में आता है शॉर्ट नोट्स में। अनोपिया एंड इट्स टाइप्स एंड डेफनेस इट्स टाइप्स, तो एक बार ये रीड करके ज़रूर जाए, क्योंकि इन पे कई बार MCQ क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ में कई बार शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिए जाते हैं। इंटीग्रेटिव फिजियोलॉजी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ऑल्दो कई सारे इसमें इंटीग्रेटिव टॉपिक हैं, लेकिन हमें क्या मिस नहीं करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और नेक्स्ट इज़ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो आई होप कि इन टॉपिक्स के थ्रू आप एक छोटा सा अपना व्यू बना पाएंगे कि एक दिन में अगर आपको पढ़ना है किसी भी चैप्टर में से, तो क्वेश्चंस हमें कौन कौन से जो हैं वो बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। बाकी पढ़ना हमें सब कुछ चाहिए, अगर हमें फुल सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है तो हम आगे के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पास ऑन कर सकते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर MBBS में। सो आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और मेरी ये टॉपिक शायद आपको हेल्प कर पाएँ। थैंक यू, गुड लक टू यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बेस्ट ऑफ लक टू यू।